दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय हिमाचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पौंटा साहिब। निराशाजनक परीक्षा परिणामों पर विद्यार्थियों को दाखिला लेने में आ रही परेशानी पर एबीवीपी नालागढ़ ने सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और छात्र हित में परीक्षा परिणाम दुरुस्त बनाने की मांग उठाई। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि यदि जल्द ही प्रशासन ने रिजल्ट ठीक नहीं किया तो एबीवीपी पूरे प्रदेश में छात्रों को लामबंद कर प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिल रतन वर्मा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद की मांगों पर परीक्षा नियंत्रक जेएस नेगी से बात की गई है, जिस पर उन्होंने दो दिन में इस समस्या के समाधान की बात कही है। क्या समस्या मैडम? हमारी समस्या है कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्लियर नहीं आ रहा है, बिल्कुल सबको एफ एफ ही दे रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट सेम का रिजल्ट है चाहे वो सिक्स सेम का रिजल्ट है, किसी का कोई क्लियर नहीं है। और असेसमेंट की भी प्रॉब्लम है, वो भी हमारी क्लियर नहीं जा रही है यहाँ से। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? हमारी चाह रहे कि हमारी मांग पूरी हो जाए। सर हमारी समस्या है कि हम शुरू से जो पेपर देखते आ रहे हैं आज तक हमारे जितने भी पेपर हुए उसमें 90% जो स्टूडेंट्स हैं उनके एफ लगे हुए हैं। हमारे पेपर जितने भी बढ़िया हो जाए सभी के एफ लगते हैं, और जो हम दोबारा पेपर देते हैं जो सप्ली का पेपर देते हैं वो सेम एज इट इज़ जो फेल होने वाला पेपर था उसके सेम ऐसे रिजल्ट आते हैं। कोई भी हमारा सुनवाई नहीं होती, हम जब भी उनको डिमांड देते हैं हमारी डिमांड्स को ऐसी पेपरों में दबा दिया जाता है और हमारी किसी की मांग पूरी नहीं की जाती। अगर इस बार आपकी डिमांड नहीं पूरी होती तो आप लोग क्या करोगे? हम पूरा आंदोलन करेंगे। हमने आज से स्टार्ट किया, आज से हम भूख हड़ताल स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हमारे 12 छात्र जो कॉलेज के हैं वो विद्यार्थी परिषद के यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अगर हमारी आज भी मांग पूरी नहीं होती है तो हम आगे शिमला एचपीयू में जाके आंदोलन करेंगे और वहाँ पे भी उनका विरोध करेंगे। बच्चों का रिजल्ट जैसे स्टार आ जाता है या कुछ कई बच्चों का रिजल्ट लेट हो रहा है उसको लेके प्रॉब्लम है, तो हमने यूनिवर्सिटी को, इन्होंने हमें पहले भी बोला था, तो हमने इनके मेमोरेंडम फॉरवर्ड किए हैं। अभी कंट्रोलर साहब से बात हुई है तो कंट्रोलर साहब ने मेरे से भी बात की है कि जसप्रीत जो इनका स्टूडेंट लीडर है उससे भी बात की है, तो उन्होंने ये एश्योर किया है कि आप हमें लिख के दे दो जो प्रॉब्लम होगी हम सबके रिजल्ट विद इन 2 डेज क्या है निकाल। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए नालागढ़ से अरुणी पाठक की रिपोर्ट। हिमाचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का पिछले 25 वर्षों से अपनी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा व बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्थान में जीएनएम नर्सिंग, बीफार्मा, डीफार्मा, बीडीएस, एमडीएस के साथ साथ एमएससी बायोटेक्नोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी की शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। डॉक्टर गौरव गुप्ता ने बताया कि निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा व सेवाओं में ग्रुप बेहतरीन कार्य कर रहा है। यहाँ से नर्सिंग व फार्मकेयर की शिक्षा प्राप्त कर छात्र छात्राएं प्रदेश और पड़ोसी राज्य में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। संस्थान द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रशिक्षित फैकल्टी उपलब्ध है। इसके साथ साथ संस्थान पौंटा साहिब में चैरिटेबल अस्पताल भी चला रहा है। संस्थान भविष्य में भी बेहतरीन स्वास्थ्य शिक्षा पर सेवाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है।